पड़ोसी कहीं जाने वाला नहीं है। ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा। मोदी की जागीर नहीं, किसी के बाप की जागीर नहीं, ये मेरे बाप की जागीर है। क्यों जाऊं, क्यों जाऊं मैं? अरे मैं वही हूं जिन्होंने इस मुल्क को ताज दिया, मैं वही हूं जिसने इस मुल्क को कुतुब मीनार दिया। अरे नरेंद्र मोदी संघ परिवार वालों, जिस लाल किले पर हिंदुस्तान का वजीर आजम मेरे हिंदुस्तान के तिरंगे को लहराता है, वो किला भी मेरे आबा और दाद मेरे अखलाक ने बनाया। क्यों जाओ? अरे लोग बोलते हैं एक आ गया, एक आ गया। अरे एक छोड़ो, इस जैसे 1000 भी आ गए तो हमारा बाल भी बिंगा नहीं करते। मरना है तो मरना है, जिस दिन मौत है हमारा हक है, जिस दिन मौत नहीं है तो नहीं है मिसाल हम है ना। क्या हुआ बताइए? कभी कभी वो ललित मोदी पैसे लेके भाग जाता है, कभी वो चौकी लेके भाग जाता है, कभी मारिया लेके भाग जा रहे हैं। सब इन्हें इतने कौन, उन्हें उतने कौन, उन्हें उतना लेके सब भाग रहे, भाग रहे, भाग रहे। कहाँ भाग रहे? लंदन। और लंदन से एक मर रहा है, आया नहीं, आया नहीं, सब भागे, मगर ये वापिस आया। 40 दिन क्या, 40 वर्ष डाल लो, लेकिन हक के लिए लड़ता रहूंगा, मेरी होम की इज्जत के लिए मरता रहूंगा, इनके व्यवहार के लिए फांसी पे लटकने तैयार हो, लेकिन तुम्हारे सामने झुकने तैयार नहीं है। ये चंद्रायन गुट्टा है, क्या करे, क्या करे, क्या करे? चंद्रायन गुट्टे जैसे बोलने वाले दुनिया में नहीं है, है ना? ये काम करे चंद्रायन गुट्टा। अरे आज हम पे तनकीद, इल्जाम, मिस्टर मोदी आप क्या करे बताओ? आज मैं सुन रहा था, बोल रहे थे कि छत्तीसगढ़ में वहां जलसा कर रहे रमन सिंह, यूपीए गवर्नमेंट से पूछ रहे थे, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। हम सोच रहे थे क्या छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान का हिस्सा है क्या? ऐसा करे जैसा हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं। मिस्टर मोदी चाय वाले ने आज कहा यूपीए ने तुम्हारे चीफ मिनिस्टर को इंसाफ नहीं मिला तो ये बात 70 वर्ष से अकबर अवंशी को इंसाफ नहीं मिला तो क्या मैं आवाज ना उठाऊं? मेरे जुमले अगर तुमको पसंद नहीं है तो कहना चाहता हूं कि ये जुमलों में जो गुस्सा है, जो नाराजगी है, जो आग है, ये आग तुम्हारी भड़काई हुई है जो नाइंसाफी की वजह से बढ़ती है। मुझे इंसाफ दो। आज हरियाणा में कानून पास किया गया, एक गांव में के सर पे टोपी नहीं रहना, चेहरे पे दाढ़ी नहीं रहना, क्या ये इंसाफ है? अरे मैं कह रहा हूं, यहां खड़े रह के कह रहा हूं, जितना हक इस मुल्क पर नरेंद्र मोदी का है, राहुल गांधी का है, उतना ही हक इस मुल्क पर अकबरुद्दीन ओवैसी का है। अगर इस मुल्क में एक हिंदू अपने माथे से तिलक लगा सकता है तो इस मुल्क में मुसलमान अपने सर पर टोपी और दाढ़ी भी पहन सकता है, एक सिख पगड़ी भी पहन सकता है। यह मुल्क का दूसरे दर्जे का शहरी नहीं हूं मैं इस मुल्क का बराबर का हिस्सेदार हूं, यह मुल्क मेरा है। आपको भी डरने घबराने की जरूरत नहीं है, हम हैं, हम आपके हक के लिए लड़ेंगे, हमारा साथ दो और फिर देखो कैसे झुकाते हैं इनको।
चार साढ़े चार बरस में नौकरी आई नहीं आई, कोई महंगाई कम हुई नहीं हुई, सिर्फ एक ही चीज हुई, क्या हुई? भी बड़ा बने का गोट। हिंदुस्तान बीज जो एक्सपोर्ट कर रहा है ना, 2014 में 20,000 मेट्रिक टन, 2015 में 17,000 मेट्रिक टन, 2016 में 18,000, 17 में 20,000, 18 में 18,500। तो अब तक कितने का बीज दुनिया को ये खिलाए मालूम आप? दुनिया को कितना बीज खिलाए मालूम? 2,00,000 करोड़ का बीज मोदी दुनिया को खिलाया। गांव रक्षकों, ओ गांव रक्षकों, बांकरे पहलवानों चट्टों में से मोड़े पड़ गए, अरे पहलवानों ये बीफ को रोको ना, ये बीफ के एक्सपोर्ट को रोको ना, ये नहीं रोकेंगे। हिंदुस्तानी बीफ नहीं खाना, हिंदुस्तानी बीफ नहीं रखना, दुनिया हिंदुस्तान का बीफ खाओ। ये चार बरस में क्या करे? कुछ नहीं करे, सिर्फ एक ही काम करे। अच्छा क्या आप बोलेंगे? क्या वो ओबामा सदर अमेरिका आया था ना, तो वहां उनको बैठे थे, बैठे भी तो कहां बैठे? कहां? दिल्ली में कहां बैठे मालूम? कहां बैठे मालूम? हैदराबाद हाउस, हैदराबादियों का हाउस, हैदराबाद के निजाम के हाउस में बैठे, हमारे हाउस में वहां बैठ के चाय पिलाए। सिर्फ एक ही काम सही करा। मैं देख रहा था कि आंगन में बैठे हैं, हरियाली में बैठा है चाय वाला, और सदर अमेरिका को चाय डाल के पिला रहा। वाह, बस वो एक ही काम अच्छा हुआ। और क्या हुआ? डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी। क्या हुआ नोटबंदी में? नोटबंदी में क्या हुआ? लाखों लोग रोजगार से महरूम, छोटी सनत बंद हो गई। और चाचा अदाकारी से बोले, अगर नोटबंदी ऐसा हो गया चौराहे पे लाके मुझे सजा दे दो। इतना बड़ा अदाकार, दिलीप कुमार, राजकुमार, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, शर्मा जा रहा इस चाय वाले की अदाकारी के सामने। ऐसा अदाकार, ऐसा अदाकार। क्या क्या बोले? अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या, मैं तो फकीर झोला डाला चला जाऊंगा। नहीं झोला नहीं, हम 2019 में हम जरूर इस चाय वाले को भेजेंगे, और जब भेजेंगे तो अकबर ओवैसी उस झोले में एक चाय की केतली, चाय की पत्ती और चाय बनाने का चूल्हा दे के भेजेगा कि जाके लगा ले के चाय बना ले। क्या काबिलियत, क्या सलाहियत है? इकोनॉमिस्ट है, हिस्टोरियन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, क्या है? कुछ भी नहीं है। आज मुल्क तबाही और बर्बादी के दहाने पर आ गया है। माशी तौर से मुल्क कमजोर हो चुका, और उसका जिम्मेदार कौन? ये चाय। अब लोग बोलेंगे इतना चाय वाला, चाय वाला। अरे चाय वाला अपने आप को चाय वाला बोलते हुए नहीं शर्मा रहा, तो मेरे बोलने पे एतराज क्यों है? 3 दिन पहले नहीं बोले? बोले ना, बोले तो मैं भी बोल रहा हूं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जरूर अच्छा है, करो। सबसे पहले अपने बीवी को तो अपने घर में बुला लो, सही है ना? बड़ी औरतों की फिक्र है, अपने घर की औरत को हक नहीं दे रहे। और मुस्लिम औरतों की अपनी बात, यहां आए तो तलाक पे सलासा पे बोलते हैं कि नहीं, और मुस्लिम बहनों के साथ ना इंसाफी। अच्छा बाबा, साबरीमाला में हिंदू बहनों के साथ ना इंसाफी हो रही, उस पर आपका सेम मौकफ क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? यहां ये मौकफ, वहां पे वो मौकफ। वाह, ये डोगले हर हिसाब से नाकाम हो गए, हर हिसाब से। तो अब सिर्फ क्या है?
रामचंद्र जी की पनाह में आना चाहते हैं। राम मंदिर के नाम पर फिर से मुल्क को बेवकूफ बनाना चाहते हैं, धोखा देना चाहते हैं, लेकिन कोई इनका मुकाबला करे या ना करे, हैदराबाद मजलिस असदुद्दीन ओवैसी वो अकबरुद्दीन ओवैसी इस चाय वाले का मुकाबला करेंगे, इस गुजरात के हाथियों का मुकाबला करेंगे, बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों का मुकाबला करेंगे, हम इन सब का मुकाबला करेंगे और करते रहेंगे और बता देंगे कि हम किसी से डरने या घबराने वालों में से नहीं है। हम अपने हक के लिए लड़ेंगे और हक को हासिल। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके